गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बुक लो। तो आइए हम शुरू करते हैं 16 अप्रैल का करंट अफेयर। देखिए क्वेश्चन नंबर वन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर वन लिखा हुआ है मेरा, विच स्टेट्स कांगड़ा टी विल सून गेट अ यूरोपियन कमीशन ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। किस राज्य की कांगड़ा टी को जल्द ही यूरोपियन कमीशन ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिलने वाला है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट टैग होता है और ये जिस भी देश को मिल जाए बहुत अच्छी बात होती होगी। चलिए, लेकिन ये यहाँ पे राज्य को मिल रहा है। ब्लैक कहाँ गया, आइए। ओके, तो ये किस राज्य को मिल रहा है बताइए, यूरोपियन ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये हमारा मिल रहा है हिमाचल प्रदेश को। किसको मिल रहा है ये, हिमाचल प्रदेश को मिल रहा है। अब आइए देखते कि और किस किस राज्य के किन किन चीजों को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला हुआ है। जैसे देखिए सोजत मेहंदी को भी ये टैग मिला हुआ है। ओके, सोजत मेहंदी को भी ये टैग मिला हुआ है। ये कहाँ की मेहंदी है, ये राजस्थान की मेहंदी। ओके चलिए, और ये टैग राजस्थान को मिला है। चलिए, तो इसके बाद में स्वीट कुकुम्बर, ओके ये नागालैंड का है। देन उसके बाद में एक नाम है लेकिन बहुत खतरनाक है, क्या नाम है उसका, नारा सिंह पेटाई। ये आपका कहाँ है, ये आपका तमिलनाडु। ओके तमिलनाडु, ये एक स्वीट का नाम है तमिलनाडु। चलिए ओके, तो बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर, थोड़ा इसको रंग दें हम लोग। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या है। हु वॉन द प्रेस्टीजियस ओ हेनरी अवार्ड फॉर अ शॉर्ट स्टोरी ही रोट 45 इयर्स बैक। 45 साल पहले लिखी गई एक लघु कहानी के लिए प्रतिष्ठित ओ हेनरी अवार्ड किसने जीता है। इसका ऑप्शन क्या है, अमर मित्रा। किसने जीता है, अमर मित्रा ने जीता है। ओके चलिए, अब अगर अवार्ड की बात उठी है तो आपको मालूम है हम लोग बिना चार पांच अवार्ड देखे जाएंगे नहीं। चलिए लिखिए, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 किसको मिला है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 किसको मिला है। ये मिला है गीतांजलि श्री को। किसको मिला है, गीतांजलि श्री। ओके चलो, चमेली देवी अवार्ड किसको मिला है बताइए। चमेली देवी अवार्ड किसको मिला है, ये अवार्ड आपका मिला है अरिफा जौहरी। उसके बाद में वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर, ये किसको मिला आपका, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर यहाँ पर किसको मिला है, अंबेर ब्रैकन को। चलिए, व्यास सम्मान किसको मिला है ये आपको मिला है असगर वाजाहट को। देन बिहारी पुरस्कार किसको मिला है बताइए, बिहारी पुरस्कार मधु कंकरिया को मिला है। किसको मिला है, मधु कंकरिया। ओके चलिए, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, हाल ही में किस राज्य ने 1064 एंटी करप्शन मोबाइल ऐप के नाम से एक भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। रिसेंटली विच स्टेट हैज लॉन्च एन एंटी करप्शन मोबाइल ऐप नेम्ड 1064 एंटी करप्शन मोबाइल ऐप। किसने लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया है उत्तराखंड की राज्य ने। किसने लॉन्च किया, उत्तराखंड ने ये ऐप लॉन्च किया है। आइए, अब अगर उत्तराखंड की बात उठी है तो आपसे यहाँ पूछ लिया जाए, बताइए उत्तराखंड में टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, वहाँ के सीएम का नाम क्या है और वहाँ के गवर्नर का नाम क्या है। लगे आप यहाँ पर बता दीजिए, और कोई ऑप्शन है यहाँ पर। चलिए,
यूपी का बता दीजिए, यूपी 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 में बताइए टोटल सीट्स कितनी है, वहाँ के सीएम कौन है और वहाँ के गवर्नर का नाम क्या। ओके देन और कोई ऑप्शन है यहाँ पर? चलिए एक और लिखिए, आप लोग बताइए गोवा का, गोवा का सीट बताइए, वहाँ के सीएम का नाम बताइए और वहाँ के गवर्नर का नाम बताइए। चलिए एक और लिखना है आपको, चलिए लिखिए मणिपुर, मणिपुर में टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, वहाँ के सीएम का नाम बताइए और वहाँ के गवर्नर का नाम बताइए। ओके चलिए कितना चीज आप लोग बताइए। देखिए यहाँ पर उत्तराखंड में टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, 70 है, वहाँ के सीएम का नाम क्या है, पुष्कर धामी। क्या नाम है वहाँ के सीएम का नाम? पुष्कर धामी। ओके और वहाँ के गवर्नर का नाम क्या है? गुरमीत सिंह। क्या नाम है? गुरमीत सिंह। चलिए यूपी के सीएम का नाम क्या है? यूपी के सीएम का नाम है योगी आदित्यनाथ। नाम है योगी आदित्यनाथ। ओके और वहां पे सीट्स कितनी है टोटल? 403 सीटें हैं और वहां के गवर्नर का नाम क्या है? आनंदीबेन पटेल। क्या नाम है? आनंदीबेन पटेल। गोवा, गोवा में टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? 40 है और वहां के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत है। कौन है? प्रमोद सावंत। ओके और वहां के गवर्नर कौन है? श्रीधरन पिल्लई। कौन है? श्रीधरन पिल्लई, श्रीधरन पिल्लई। चलिए मणिपुर में टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? 60 है और वहां के सीएम कौन है बताइए? एन बीरेन सिंह। क्या नाम है उनका? एन बीरेन सिंह। और वहां के गवर्नर का नाम क्या है? ला गणेशन। क्या नाम है? ला गणेशन। चलिए अब आपसे अगर मैं एक स्टेट का नाम पूछते हुए जाता हूं तो मुझको आप यही सारी इंफॉर्मेशन कमेंट सेक्शन में बताइए। पंजाब का इसका बताना है, पंजाब को बताइए। पंजाब में टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, वहां के सीएम का नाम क्या है और वहां के गवर्नर का नाम क्या है? आप ये सब मुझको आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स जॉइंटली कंडक्टेड द सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ विच एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने संयुक्त रूप से किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है? बताइए उसका नाम क्या है? उसका नाम है हेलिना। क्या नाम है उसका? हेलिना उसका नाम है। ओके चलिए अब अगर यहाँ पे DRDO की बात उठी है, देखिए DRDO इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का टेस्ट किया था, तो उस जो एंटी गाइडेड मिसाइल का नाम क्या था? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का हेलिना था। ओके चलिए अब अगर सवाल उठी है तो हम लोग DRDO के बारे में देख के लेते हैं। बताइए DRDO की स्थापना कब हुई थी? DRDO की स्थापना कब हुई थी बताइए? और यहाँ के अध्यक्ष कौन है? यहाँ के अध्यक्ष कौन है DRDO के? देन बताइए इंडियन आर्मी डेप्यूटी चीफ का नाम क्या है आपके? इंडियन आर्मी डेप्यूटी चीफ का नाम क्या है? इंडियन आर्मी डेप्यूटी चीफ का नाम क्या है? देन इंडियन एयरफोर्स डेप्यूटी चीफ का नाम क्या है? ओके चलिए अब अगर मिसाइल की बात उठी है तो आप लोग बताइए कि शाहीन थ्री का जो टेस्ट है वो किस देश ने किया है मिसाइल का, और गफेन थ्री का टेस्ट किस कंट्री ने किया है? इसका आंसर दीजिए आप। चलिए DRDO की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। यहाँ के अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी। कौन है? जी सतीश रेड्डी। ये मैंने आपको कल भी बताया था। ओके जी सतीश रेड्डी। इंडियन आर्मी के डिप्यूटी चीफ कौन है? मनोज पांडे। कौन है? मनोज पांडे। ओके मनोज पांडे। और इंडियन एयरफोर्स के डिप्यूटी चीफ कौन है? संदीप सिंह। कौन है? संदीप सिंह। और शाहीन थ्री का जो मिसाइल का टेस्ट है किसने किया है? पाकिस्तान ने किया है। किसने किया है?
पाकिस्तान ने किया, और गफेन थ्री का टेस्ट किसने किया है मिसाइल का, चाइना ने किया, समझ गए। बढ़ते हैं आगे, चलो क्वेश्चन नंबर पांचवा देखो। Who among the following has been appointed as a member board representative of ICC cricket committee? निम्नलिखित में से किसे ICC cricket समिति के सदस्य बोर्ड प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? बताइए किसको नियुक्त किया गया है, जय शाह को। किसको नियुक्त किया गया है, जय शाह को नियुक्त किया गया है। चलिए अब यहाँ मैं आपसे कुछ और सवाल पूछ लेता हूँ जो इससे बन सकते हैं। देखिए जैसे कि बताइए BCCI के सेक्रेटरी का नाम क्या है, BCCI सेक्रेटरी, अभी तो बताया मैंने जय शाह, ओके क्या है, जय शाह इनका नाम। ये BCCI के सेक्रेटरी भी हैं, देन ये ACC के प्रेसिडेंट भी है, साथ में ACC के प्रेसिडेंट भी है, ओके। चलो अब अगर यहाँ पे मैं आपसे एक और सवाल पूछ लूँ, बताइए ICC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ICC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ओके, और ICC के प्रेसिडेंट कौन है, ICC के प्रेसिडेंट कौन है, इसका आंसर दीजिए। इसका हेडक्वार्टर है दुबई में, कहाँ पे है, दुबई में, और इसके प्रेसिडेंट है गर्ग बार्कले, ओके, और ये आपके हैं न्यूजीलैंड से, कहाँ से हैं ये, आपके न्यूजीलैंड से हैं। चलिए ICC के वाइस प्रेसिडेंट का नाम क्या है, ICC के वाइस प्रेसिडेंट का नाम क्या है, बताइए इसके वाइस प्रेसिडेंट का नाम क्या है, इमरान ख्वाजा, क्या है, इमरान ख्वाजा। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर छठवे को देखिए। क्वेश्चन नंबर छठवे का, विच नेशन स्टेट विक्टोरिया विल होस्ट द 2026 कॉमनवेल्थ गेम, किस देश का राज्य विक्टोरिया 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने वाला है, तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया करने वाला है, कौन करने वाला है, ऑस्ट्रेलिया करने वाला है, ओके। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए। हैमिश बेनेट हैज अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट, ही इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, हैमिश बेनेट ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है, वो निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है, तो उसका आंसर है न्यूजीलैंड, कहाँ से, न्यूजीलैंड से है, ओके। चलिए चलिए बताइए रॉस टेलर कहाँ से संबंधित है, रॉस टेलर कहाँ से संबंधित है, फिर उसके बाद में आपके मोहम्मद हफीज बताइए कहाँ से संबंधित है, ओके, देन बताइए ब्रेंडन टेलर कहाँ से संबंधित है। चलिए इन तीनों का आंसर दीजिए, ये पहले आपके कहाँ से संबंधित है, न्यूजीलैंड से, कहाँ से, न्यूजीलैंड से, देन उसके बाद में मोहम्मद हफीज आपके कहाँ से संबंधित है, पाकिस्तान से, और ब्रेंडन टेलर कहाँ से संबंधित है, जिम्बाब्वे से, ओके, जिम्बाब्वे। चलिए क्वेश्चन नंबर आठवां देखिए। रिसेंटली इंडिया साइंड ए न्यू स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस एग्रीमेंट विद विच नेशन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक नई अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता व्यवस्था पर हस्ताक्षर किया है, तो इसका आंसर है अमेरिका के साथ में, किसके साथ में, अमेरिका के साथ में। अब अगर एग्रीमेंट की बात है तो देखिए यहाँ पर इंडिया ने रिसेंट में इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया है, ट्रेड एग्रीमेंट, तो बताइए इंडिया ने किस कंट्री के साथ में किया है, इंडिया ने ये एग्रीमेंट साइन किया है, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया के साथ में किया है, ओके। चलिए बताइए इसने स्पेस एग्रीमेंट अभी किसके साथ में साइन किया है, स्पेस एग्रीमेंट, अरे कह दो, अभी तो आंसर बताया मैंने, इंडिया एंड यूएसए ने स्पेस एग्रीमेंट साइन किया है, ओके। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए।
द मेड इन इंडिया डॉर्नियर 288 एयरक्राफ्ट विल कनेक्ट विद विच स्टेट रिमोट टाउन्स टू आसाम डिब्रूगढ़। भारत निर्मित डॉर्नियर 288 विमान किस राज्य के दूर दराज के शहरों को असम के डिब्रूगढ़ से जोड़ेगा, बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, ओके, ऑप्शन नंबर अरुणाचल प्रदेश। चलिए, और जो आपका ये डॉर्नियर 288 है विमान, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी होंगी, 17 सीट्स होंगी, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, हु विल बी द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन होंगे, बताइए कौन होंगे, प्रधानमंत्री, कौन होंगे, प्रधानमंत्री अपने। चलिए, अगर अवार्ड की बात उठी है तो एक दो अवार्ड लिखवाई देता हूं, बताइए एबल प्राइज किसको मिला है, एबल प्राइज किसको मिला है, एबल प्राइज बताइए किसको मिला है। रामानुजन अवार्ड किसको मिला है बताइए, रामानुजन अवार्ड किसको मिला है, रामानुजन अवार्ड किसको मिला है। असम वैभव अवार्ड किसको मिला है बताइए, असम वैभव अवार्ड, असम वैभव अवार्ड किसको मिला है, ओके। देन बताइए हिलाल ए पाकिस्तान किसको मिला है, हिलाल ए पाकिस्तान अवार्ड किसको मिला है, ओके। और बताइए फिर जी डी बिरला अवार्ड किसको मिला है, जितने इंपॉर्टेंट है मैं सब लिख पा रहा हूँ आपको, ओके, जी डी बिरला अवार्ड जितने मेरे माइंड में अभी क्लिक हो रहे हैं, ओके। देन बताइए इंटरनेशनल वुमन ऑफ करेज अवार्ड किसको मिला है, इंटरनेशनल वुमन ऑफ करेज अवार्ड, ओके। चलिए, तो वन बाय वन सबका आंसर देखते हैं हम लोग। तो इंटरनेशनल वुमन ऑफ करेज अवार्ड मिला है रिजवाना हसन को, किसको मिला है, रिजवाना हसन को, ओके, रिजवाना हसन को मिला है। जी डी बिरला अवार्ड किसको मिला है, नारायण प्रधान को मिला है, किसको मिला है, नारायण प्रधान। चलिए, हिलाल ए पाकिस्तान अवार्ड किसको मिला है, बिल गेट्स को मिला है, किसको मिला है, बिल गेट्स को मिला है। देन जी डी बिरला अवार्ड किसको मिला है, सॉरी ये तो हाँ, असम वैभव अवार्ड किसको मिला है बताइए, आपको मिला है रतन टाटा को, किसको मिला है, रतन टाटा को मिला है, ओके। चलिए, रामानुजन अवार्ड देखिए, रामानुजन जी एक मैथमेटिशियन थे और इनका अवार्ड किसको मिला है, नीना गुप्ता को मिला है। ये मैं आपको तीसरी बार नाम बता रहा हूँ नीना गुप्ता का, क्योंकि ये नाम मैं पहले भी सिखा चुका हूँ। एबल प्राइज किसको मिला है, डेविल डेनिस पार्नेल को मिला है, किसको मिला है, डेनिस पार्नेल को, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। द 20th मीटिंग ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी वॉज हेल्ड इन विच टाइगर रिजर्व। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की 20वीं बैठक किस बाघ अभ्यारण्य में आयोजित की गई है, किसमें की गई है, तो इसका नाम है पक्के टाइगर रिजर्व, क्या नाम है, पक्के टाइगर रिजर्व में की गई है, ओके। चलिए, और ये पक्के टाइगर रिजर्व आपका कहाँ पर है बताइए, ये आपका जो पक्के टाइगर रिजर्व है, पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पर है आपका, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में, ओके। चलिए, अरुणाचल प्रदेश। चलिए एक और बताइए, कैमूर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, कैमूर टाइगर रिजर्व ये आपका कहाँ पर है। देन उसके बाद में लिखिए और क्या है नाम एक और टाइगर रिजर्व का, देखिए गुरु घासीदास, हाँ गुरु घासीदास जी का, गुरु घासीदास, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, ओके। ये बताइए कहाँ पर है। देन नामदफा नामदफा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, नामदफा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है बताइए। चलिए देखिए, वन बाय वन सबका आंसर देखते हैं आपका।
काइमू टाइगर रिजर्व कहाँ पर है आपका, ये बिहार में है, कहाँ पर है आपका बिहार में है। गुरु गादीदास टाइगर रिजर्व कहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ में, कहाँ पर है ये छत्तीसगढ़, ओके छत्तीसगढ़। और आपका नामदफा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में, ओके। चलिए तो बढ़ते हैं आगे, अभी क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी मेड बाय विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी, मतलब जो बाहर से पैर नहीं लगाते हम लोग, नी अपना, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा बनाया गया, तो इसका आंसर है आईआईटी मद्रास, इसके द्वारा बनाया गया, आईआईटी मद्रास द्वारा बनाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, हु हैज बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन आईपीएल टू गेट रिटायर्ड आउट ड्यूरिंग द हाई ऑक्टेन क्लैश अगेंस्ट लखनऊ सुपर जायंट्स, लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ हाई ऑक्टेन क्लैश के दौरान रिटायर होने वाले आईपीएल के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, कौन बन गए बताइए, इनका नाम क्या है, रविचंद्रन अश्विन, ओके क्या नाम इनका, रविचंद्रन अश्विन नाम। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अवार्डी ऑफ अ चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2021 अनाउंस रिसेंटली इन मध्य प्रदेश, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश में हाल ही में घोषित चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2021 से सम्मानित नहीं है, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी किरण बेदी को ये सम्मान नहीं दिया गया है, मतलब ये सम्मानित नहीं है इससे, ओके। चलिए तो आइए देखते हैं कि ये अवार्ड मिला किसको है, फिर जो आपका चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2021 है 2021 किसको किसको मिला है, देखिए चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2021 देखिए किसको किसको मिला, ये आपका क्या आपका मिला है, शिवराज चौहान को, शिवराज चौहान, ओके। फिर ये आपका मिला है अजीज कुरैशी, ओके देन किसको मिला ये, तीजन भाई को भी मिल चुका है, देन ये मिला है पीयूष मिश्रा को, दिव्यांका त्रिपाठी, दिव्यांका त्रिपाठी, ओके देन सैयद जफर इस्लाम, सैयद जफर इस्लाम। चलिए तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, हु हैज इनॉगुरेटेड द सीमा दर्शन प्रोजेक्ट एट नांदा भेट ऑन द इंडो पार्क बॉर्डर इन बनासकांता डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, गुजरात के बनासकांता जिले में भारत पाक सीमा पर नांदा भेट में सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किसने किया है, किसने किया है, ये किया है यूनियन एंड होम कॉर्पोरेटिव मिनिस्टर ने, यूनियन एंड होम कॉर्पोरेटिव मिनिस्टर ने किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, इंडियन आर्मी मार्क्स सियाचिन डे ऑन विच डे एवरी ईयर, सियाचिन डे हर साल किस दिन मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका 13 अप्रैल को मनाया जाता है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है आपका, निम्नलिखित में से किस शहर को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन एफएओ और आर्बर डे फाउंडेशन द्वारा वर्ल्ड ट्री सिटी 2021 के रूप में मान्यता दी गई है, तो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ओके। चलिए जैसे यहाँ पे देखिए, इसके अंदर दो नाम और आएगा, लिखवाया नहीं मैंने आपको, एक तो आपका आएगा तीजन भाई का, जो जो मैंने बोला कि वो आपकी क्या है, वो आपकी बन चुकी है, और बहुत सारे लोग और भी हैं, एक है आपकी मालिनी गौर, कौन है, मालिनी गौर, एंड मैनी मोर, बहुत सारे लोग हैं अभी, समझ गए, जिन लोगों को ये अवार्ड मिला है, लेकिन किरण बेदी को इस लिस्ट में से अवार्ड नहीं मिला। चलिए तो आज के लिए इतना ही, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहिए और खुश रहिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम अपने नए दिन के करंट अफेयर के साथ में, ओके। चलिए।